डॉक्टर साहब कैसा क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। इंजेक्शन लो जाके बाजू के वार्ड पर। क्या हुआ मेरे को? बाजू के वार्ड में जाके इंजेक्शन लो जाओ। अरे नहीं जी, क्या हुआ? तुम जल्दी जाके इंजेक्शन लो, सब सही रहता जाओ। हाँ नेक्स्ट। डॉक्टर साहब इंजेक्शन ले लो जाओ। अरे मेरी बात सुनो। अरे इंजेक्शन ले लो जाओ बाजू वार्ड में, चलो। इंजेक्शन लो जाओ। अरे जाओ मियाँ, जाओ इंजेक्शन लो। इंजेक्शन इंजेक्शन लो, चलो चलो। बाजू जाके इंजेक्शन लो जाओ। पहले मैं बोल रहा सो बात सुनो डॉक्टर साहब। हाँ जी, पहले जाके इंजेक्शन लो जाओ। मैं बोलते सो बात सुनते आप? डॉक्टर मैं, तुम आप ही से डॉक्टर, फिर जाके इंजेक्शन लो जाओ। पेशेंट मैं नहीं होता, पेशेंट बाहर है। अच्छा बाजू वार्ड में जाके इंजेक्शन दिला उसको जाओ। अगर फ्री है तो तुम भी एक इंजेक्शन लगा लो जाओ। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब क्या परेशानी है मुन्ना? बालान 4 साल दिन को बढ़ता रहे जी, कुछ तो भी है इसका इलाज। अरे तेको मैं हजाम दिख रहा हूँ, डॉक्टर दिख रहा हूँ, एक बात बोल। तेरे को तुम नहीं करते क्या ये? आइंदा बेटा ये आजू बाजू में भी दिखाना, तेको तेरे घोंसले को गैस का तेल डाल के जला दो, निकल यहाँ से निकल। हेलो, या या ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डाइड, यस थैंक यू, या कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन से खांसी हो रही डॉक्टर साहब, बच्चे को खांसी हो रही। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या है, सिगरेटा मार रहा तुम्हारा बच्चा फुल। खाली खाली नहीं होती जी वो खांसी। कितने में दिन में 10 सिगरेटा मारते? मैं 10 नहीं मारता डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त मारते, मैं 5 ही मारता हूँ, उन लोगों ने भी मैं कहीं को होती। देखो बच्चा खुद को बोल लिया, आज खांसी कल कैंसर, कौन कर रहे हैं इलाज, खाली पैसे लूट रहे। छोड़ लो उम्मीद बच्चे के ऊपर से, जाओ लेके जाओ, समझा लो, घर में बिठा दो। चलो बेटा घर को जाके बात करें पापा। और वो बच्चे को अच्छा समझाओ, हाथों पैरों से समझाओ। हाँ खलपल इज इक्वल्स टू सिट्रेजिन। सिट्रेजिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मुन्ना, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ नहीं दिख रहे हैं आजकल मोहल्ले में? कैसा कारोबार अच्छा चल रहा? वो गर्ल्स कॉलेज का रनिंग मार रहे हैं। नहीं छोड़ दिया। कई को? दूसरा कॉलेज देख लिया। अच्छा दूसरे कॉलेज का नहीं, परसों में फूटी शायद नहीं। बोलो प्रॉब्लम क्या है, बोलो। कॉलेज नहीं गया। कॉलेज नहीं गए? कई को? दवाखाने को आने का था। दवाखाने को आने, कॉलेज को नहीं गया? हाँ नहीं समझा नहीं, मैं मतलब मेन रीजन क्या है बोलो। नहीं डॉक्टर साहब, 10 दिन से कॉलेज को नहीं जा रहा हूँ, बंका मार रहे सबला मिल के। अच्छा तो आज कॉलेज को गया था, गए तो सर बोला नको चले जाओ बोल के बोला। तो मैं क्या समझा बोले तो, यहाँ से आके मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेके गए समझो, मैं आने देता ना, लो करता ना कॉलेज में। क्या मस्खरापना चल रहा है यहाँ पे? ए नहीं डॉक्टर साहब, फी दे तुम्हें। क्या फी मियाँ, रखो अंदर रखो। कैसा किराए का डॉक्टर दिख रहा हूँ तुम्हारे? मैं प्रिंसिपल फोर्ता डॉक्टर साहब आ गए तो मेरे को क्या करो बोल रहे हैं यार, कैसा दिख रहा हूँ मैं तुम्हारे? साहब गरीब बच्चे की, मैं डॉक्टर गरीब बच्चे की दुआ रखते हैं। रखो मैं दुआ दुआ कुछ भी रखो मेरे को, नहीं तुम ऐसा डॉक्टर साहब नको बोलो प्रिंसिपल जी, समझो पागल बात कर रहे हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ मैं मेडिकल सर्टिफिकेट पूरे तो इधर आ दो, स्कूलों को काले होंगे जाने हाथ नहीं होता, मेडिकल सर्टिफिकेट आ गए आगे चिल्लर कोटे मारो। नेक्स्ट। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, सीधा बैठो मियां। नहीं आता। कई को क्या हो? पौड़ा। कौन फोड़े? पौड़ा। नीचे को जाना होता। अच्छा अच्छा कब से हो रहा है? हफ्ते से बैठना नहीं आता है, उल्टा सोना पड़ता है, दर्द होता है, समझते ना। जाना आ रहा पौड़ जा रहा है। पोड़े पोड़ना पड़ता। पोड़ना पड़ता ऑन द लेटा लेटा।
पड़ा। डॉक्टर साहब, एक बड़ी परेशानी लेके आया मैं आपके पास। हाँ नहीं, इलाज तो होता ना यहाँ पर? इलाज कैसा नहीं होता जी? बोलो, परेशान कहीं को बोले तो मैं इसको हर जगह लेके फिरा, कहीं भी नहीं आवाज का इलाज। अब आप डॉक्टर साहब आपके पास होता होगा बोल के लेके आया मैं, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। नहीं, परेशानी क्या है बोलो? ये फोन में चार्जिंग नहीं चढ़ रही, अगर चढ़ी भी तो जल्दी उतर जाती, कुछ भी करो। क्या नहीं है इसका इलाज? तुम्हारे से भी नहीं वैसा दिख रहा है। अरे रे रे रे, क्या रे, उत्ते गोलियां लिखा उन्हें? क्या हो रे, खाना अमर ना। ए क्या भाई? अरे इंग्लिश में गोलियों क्या बोलते हैं ना? इंग्लिश में टैप्स, टैप्स, टैप्स और टैप्स। हाँ, अरे इंग्लिश में बोलते हैं, गोलियों को क्या बोलते हैं ना आप इंग्लिश में? टैबलेट्स, टैबलेट्स, टैबलेट्स। आई नो, मालूम है, देना था। थोड़ा देख के अपना रेट लगाओ। ₹1200 हो रहे। छह दिन के कितने हो रहे देखो एक बार। पांच देखो, ₹740 हो रहे। तीन दिन के कुछ एक बार तीन दिन के देखो भाई। पांच देखो, देखो भाई एक बार। 455 हो रहे हैं तीन दिन के। एक दिन के जरा देखना था। पांक। अरे देखो भाई, ऐसा कर रहे क्या? देखो देखो जी जरा। ₹136 हो रहे। 118 बोले तो देख, आधे दिन के पूछेंगे एक बार। क्या बोलता भाई? आधे दिन के देखना था एक बार। अरे हम लोग ना देखो जी, वो देखो, वो देखो, ऐसा कर रहे क्या तुम? देखो डाले पैसे होते। ₹34 हो रहे। अरे एक काम कर, बोलता हूँ सुन। बोल। सब आधे आधे गोलियां इंजेक्शन लिया, कम होती जल्दी कैसे? पूछे एक बार भाई, वो सब आधे आधे गोलियां तोड़ के दे सकते? अरे तुम लोग आदमी आधे आधे पैदा हुए रे, नहीं पूरे एकदम पैदा हुए? ऐसा कि पैदा हुए भाई, भाई गोलियां लेने हमला आधा पैदा हुए, फुल पैदा हुए, आपको जरूरत नहीं है। तो निकल यहाँ से, निकल जा, चल निकल निकल। कहाँ से आते रहे नमूने? सामने आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है मियाँ? नहीं डॉक्टर साहब, वो इंजेक्शन जैसे टाइम पे सारा दर्द होता ना, तो सुनकर इंजेक्शन दियो बोल के बोल रहा था। वो दिए तो भी दर्द होता है ना? वैसा नहीं डॉक्टर साहब, पहले सुन का दिया तो जरा। अरे वो सुन नहीं रहता मियां, मैं एक देर लगा लेके जाओ, क्या भी नहीं होता। आओ मियां बैठो। अरे क्या रे मियां, बाहर जाके थर माँ तक लेके आ।
हाँ बोलो मियाँ, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखो मियाँ, डॉक्टर साहब खाली हाथ पकड़ के 150 रुपए लेते। 10 साल से इलाज कर रहा हूँ मैं, मेरे को मालूम पूरा इलाज मालूम है। कंप्यूटर में आएगा बुखार लिख मा को, देखो गोलियाँ लिख के देता हूँ मैं। बाजू मेडिकल में जाओ, मेरा नाम बोलो, 10% डिस्काउंट मिलता तुम्हारा। मेरे पास खाली 50 रुपए। 150 रुपए लेते, 150 रुपए। बाजू जाके मेरा नाम बोलो, 10% डिस्काउंट मिलता तुम्हारा, 10%। ओके कम नहीं ना 50 रुपए। हाँ जाओ जाओ शुक्रिया। बोलो मैं तुम्हारा क्या है? वो खांसी हो रही है। खांसी हो रही है? 50 रुपए। 30 रुपए। हाँ दियो दियो। बाजू जाके मेरा नाम बोलो। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम इकबाल। इकबाल इकबाल। हाँ ओके। तुम्हारा नाम? तुम इधर आओ। तुम्हारा क्या है? सर्दी है। सर्दी है? दे पैसे, दे पैसे। जाओ बाजू जाके मेरा नाम बोलो। जाओ। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ भाई साहब, तुम हफ्ते में 4 दिन यहाँ गुजार ले रहे हैं, क्या परेशानी है फिर वैसे तुम्हारी? क्या करूँ भाई, घुटने में दर्द, कमर में दर्द है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे दवाएं भी ट्राई करा, कम नहीं हो रहा, इसलिए ज़्यादा टाइम पूरा दवाखाने में निकल रहा मेरा। अरे तुम ये परेशानी रख लेके ऐसे दवाखाना में फिर तो कम होता समझ रहे हैं? तो फिर कहाँ जाना भाई? अरे यार वो शिफा क्लिनिक को जाओ, वहाँ पे डॉक्टर मजहरुल्लाह साहब बोल के रहते हैं, उनको कंसल्ट करो। तुम्हारे को हिजामा ट्रीटमेंट करके यूनानी दवा देके खाली उन झटके में कम हो जाता तुम्हारे परेशानियां पूरे। हिजामा? हाँ। ये क्या है? हिजामा मतलब तुम्हारे जिस्म में जहां भी खराब खून जमा हो गया रहता, वो कपिंग थेरेपी से तुम्हारा पूरा जिस्म का खून निकाल देता खराब है। सो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे तफसील से समझाना है तो हमारे डॉक्टर मजहरुल्लाह साहब समझाते। सुनो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय शिफा क्लिनिक, जो कि यूनानी ट्रीटमेंट और हिजामा ट्रीटमेंट के लिए मशहूर है। वरंगल में हिजामा की शुरुआत और पहचान डॉक्टर सैयद मजहरुल्लाह साहब से हुई है। इसके आगे की जानकारी हमारे डॉक्टर साहब सुनाएंगे, तफसील से सुनाएंगे, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद मजहरुल्लाह हुसैनी, यूनानी फिजिशियन और हिजामा थेरेपिस्ट हूं। पिछले 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यलमीनगर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हिजामा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 28 हदीसों में इसका जिक्र है और 72 बीमारों का इलाज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म पर 3 मरतबा हिजामा करवा लिए। पहली मरतबा जब आपको जादू कराया गया था उस वक्त अपने सर पर हिजामा करवाए थे। दूसरी मरतबा जब आप हज के दौरान सफ़र पर थे तो आपके सर में दर्द था तो आप अपने सर पर भी हिजामा करवाया था। हम लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 पेशेंट्स पर हिजामा कर चुके हैं। आसपास के डिस्ट्रिक्टों से, गांवों से, विलेजेस से भी हमारे पास हिजामा करवाने के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शिफा क्लिनिक के तरफ से अब तक 20 कैंप्स कर चुके हैं वरंगल और आसपास के गांवों में, और कई पेशेंट्स पर हिजामा करके यूनानी दवाओं के जरिए से कई लोगों को फायदा भी हो चुका है। हिजामा से 70 बीमारियों का इलाज है, जैसे कि आधे सर का दर्द, पूरे सर का दर्द, साइनस प्रॉब्लम, अस्थमा, चेस्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा है, साइनसाइटिस है, स्किन एलर्जीज, सोरियासिस, जॉइंट पेन्स, बैक पेन, स्लिप डिस्क, लेडीज प्रॉब्लम्स और जेंट्स के प्रॉब्लम पे भी हिजामा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हिजामा करवाएं और अपने बीमारियों से दूर रहें। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना, हिजामा जो कि कपिंग थेरेपी कहा जाता है, मेरा भी ताल्लुक एलबीनगर से ही है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं डॉक्टर साहब को, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी क्लिनिक को आइए, डॉक्टर साहब को कंसल्ट करिए और हिजामा भी कराइए, और फीस भी बहुत रीजनेबल है। और गाइस, शिफा क्लिनिक के 2 ब्रांचेस है, एक जो है सो वरंगल एलबी नगर आपनोस फंक्शनल की लेन में है, दूसरा जो है हनमकोंडा रायपुरा नौमानिया मस्जिद की लेन में नियर 1000 पिलर टेम्पल। वेल गाइस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो कैसा था नीचे कॉमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो, ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी मालूम चले शिफा क्लिनिक के बारे में। एंड मेनली सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।